मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर भगदड़ मची है, जिसमें 30 लोग घायल हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई। आज 9:30 या स्टेशन वर जो आहे दुर्घटना घडली होती, नेमका काय कारण होता याबद्दल आम्ही चौकशी करीत आहोत। जीएम साहब पण हजर आहे। दुर्दैव घटना होती, या दुर्घटनामध्ये अद्यापर्यंत 20 लोक जो आहे ते त्याची सिरियसली इंजर्ड होण्याची मला खात्री आहे। बाकी सगळे लोकांना इमिजिएटली इव्हॅक्युएट करण्यात आलं होतं। सगळी एजन्सीज, मुंबई शहरचे कॉर्पोरेशनचे डॉक्टर्स, फायर ब्रिगेड, केम हॉस्पिटलचे डॉक्टर सगळे इमिजिएटली पोहोचले होते। बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट त्याचा चालू आहे। याबद्दल एक्झॅक्ट काय कारण होतं याबद्दल आपण चौकशी केल्यानंतरच तुम्हाला नक्की सांगू शकतो। त्याबद्दल जो आहे आमचा पहिला कार्य त्यांना मेडिकल ट्रीटमेंट देण्याचा होता, ते इमिजिएट रिलीफसाठी आपण अद्यापर्यंत प्रयत्न करतोय। एक्झॅक्ट नेमका काय कारण आहे त्याबद्दल मी थोडा चौकशी केल्यानंतर आपल्याला सांगेन। माझ्याकडे जे इन्फॉर्मेशन आहे, 20 लोक जो आहे सिरियसली इंजर्ड आहे, काही बाकी लोक जो आहे ते मायनर इंजरीज आहे, त्यांना त्याचा बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट त्याचा चालू आहे। पोलीस अराईव्ह इमिजिएटली, दी मेडिकल टीम्स ऑल्सो अराईव्ह इमिजिएटली, देर वॉज नो डिले एज फार एज दी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट अँड एड वॉज कन्सर्न। नॉट एज ऑफ नाव, बट दी डिटेल्स विल बी एबल टू नो आफ्टर थॉरो इन्क्वायरी। इट विल नॉट बी प्रॉपर टू मेक अ कमेंट अनलेस वी हॅव थॉरली इन्क्वायरी इन टू द इन्सिडेंट। सर, या ब्रिजची कपॅसिटी संपली, रोज गर्दी होते, रोज पीक आवश्यक वेळेला प्रचंड अशी चेंगराचेंगरी होत असते, रेल्वे प्रशासनाने वेळेत पावलं उचलले, याच्यासाठी जीएम साहेब हजर आहे, आपण त्यांना विचारू। रेल्वे मंत्री मुंबईमध्ये आहेत। तो आपने सुना कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जैसे ही इस हादसे की जानकारी पुलिस की टीम उन्हें मिली, तुरंत वो वहां पर पहुंच चुके थे और उसके बाद लोगों तक सुविधा पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी गई थी। 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है, और हो सकता है कि घायलों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ भी दिया गया है, बाकियों का इलाज अभी तक जारी है। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भगदड़ की असल वजह क्या थी, क्योंकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भगदड़ मची थी। चश्मदीदों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आपको सुनाते हैं। Conditions and everything. The close to around 25 people got injured. Close to 25 people. The best part is the police came at the right time, and the Mumbaikar, the Mumbai people helped actually to take the patients and put him into any car, any vehicle they get. They stop all because you know this is a very crowded road. Yes. So there are very few people, few car can able to come in here. So in the taxis, even in the car, even in the police cars and the ambulance, we put everybody into them and try to take them to the hospital as soon as possible. So everything, I can see the effort of a police and a Mumbaikars, the Mumbai people really, you know, help us. I'm not a regular traveler here. I usually come by car, but since the morning time, if I have to come here, I usually prefer by train, because you know otherwise it will take 2.5 hours to come here from Goregaon. No, so because of rain, that's nothing happened. Because of rain, there are 2 trains came here and 2 trains on the central line. Okay. Couple of trains came at the same time. So that because of that, the stampede happened. Nothing else. So it is not the murder gathering. Around 25 people got injured and put in taken to the hospital. Right. Thank you. तो चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस की टीम सही वक्त पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से स्थिति को काबू में करने में मदद मिली है। जख्मी लोगों को KEM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। जो भगदड़ है उसकी वजह से 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये पुलिस का कहना है। और मुंबई के एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि स्थिति को सामान्य जल्द से जल्द किया जाए। अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि हादसे की असल वजह क्या थी। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही यह भगदड़ मची थी, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अब नवमी है, नवरात्रि की नवमी होने की वजह से भक्तों की जो तादाद है वो भी
काफ़ी थी स्टेशन पर और फुट ओवर ब्रिज पर जब तमाम यात्री मौजूद थे उसी दरमियान तकरीबन 11 बजे बताया जा रहा है कि ये अफवाह सामने आई कि शॉर्ट सर्किट की घटना यहाँ पर हो रही है और उसके बाद ये भगदड़ मच गई जिसके चपेट में आने से ये यात्री घायल हो गए हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास अब तक क्या अपडेट है? जी देखिए, किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को घायल होने की संभावना जताई जा रही है, 20 से ज्यादा भी लोग घायल हो सकते हैं। हालांकि अनकंफर्म जो सोर्सेज हैं वो बहुत कुछ दावा कर रहे हैं लेकिन वो दावा हम नहीं कर सकते क्योंकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, 3 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और अब मौके पर जो है फायर ब्रिगेड के अलावा जो दूसरी एजेंसीज हैं, रेलवे वेस्टर्न रेलवे के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैम्पेड हुई है उस दौरान लोग जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। लगातार जो अगल के अस्पताल है वो पूरी तरह से अलर्ट कर दिए गए हैं, KEM अस्पताल है, इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी अलर्ट कर दिए गए हैं। इस तरह के अगर कोई भी वहां पर पहुंचता है तो उसे वो पूरी तरह से वो ट्रीटमेंट दे।